ग्रीष्मा विकरिया मर्डर केस में आज सूरत के मुख्य न्यायाधीश श्री विमल के व्यास सर ने जजमेंट जाहिर किया है और उसमें आरोपी को इंडियन पिनल कोड की कलम 302, 307, 342, 354 डी, 504 और 506(2) के तहत आरोपी को तकसीरवार ठहराया गया है। इस केस की इंसाफी कार्यवाही 28 फरवरी से शुरू हुई थी और करीब 1.5-2 महीना के अंदर ये इंसाफी कार्यवाही ख़त्म हुई और प्रोसिक्यूशन ने जो एविडेंस कोर्ट के समक्ष पेश किए गए थे वो सभी एविडेंस कोर्ट ने माना है। एक्यूज़ की तरफ से जो डिफेंस लिया गया था कि ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का बनाव है वो कोर्ट ने नहीं माना है, क्योंकि बनाव से पहले या तो बनाव के दौरान किसी ने आरोपी को उत्तेजित किया हो ऐसा कोई कहीं पर पुरावा एविडेंस में नहीं आता है। कोर्ट ने जो प्रेम प्रकरण वाली आरोपी की बात थी वो भी नहीं मानी है। कोर्ट ने बोला है कि किसी के साथ एक या दो फोटो होने मात्र से वो प्रेम नहीं गिना जाता है। जो लड़की है, गुजरने वाली लड़की है, उसके मोबाइल का डाटा भी रिट्रीव किया था, वो मोबाइल डाटा में भी कहीं प्रेम प्रकरण वाली बात नहीं है। आरोपी को कोई ऐसे मैसेज किया हो लड़की ने, ऐसा भी कोई एविडेंस नहीं आया है। तो प्रेम प्रकरण वाली बात का भी कोर्ट ने खंडन किया है, वो भी उसका जो शक है वो नहीं माना है। कोर्ट ने ये भी आरोपी की बात नहीं मानी है क्योंकि उसने बोला था कि जो सीन ऑफ ऑफेंस का पंचनामा है वो डाउटफुल है, क्योंकि उस टाइम पर आईओ तो इन्क्वेस्ट के दौरान वो पीएम करवाने के लिए हॉस्पिटल में था, वो बात भी कोर्ट ने नहीं मानी है क्योंकि 10:45 वो हॉस्पिटल में थे ऐसा एविडेंस में आता है। हालांकि सीन ऑफ ऑफेंस का जो पंचनामा है वो 10:45 से शुरू होता है और हॉस्पिटल से सीन ऑफ ऑफेंस आने में 10 मिनट का समय लगता है, वो भी कोर्ट ने माना है। प्रोसिक्यूशन ने जो भी एविडेंस पेश किए कोर्ट में सभी एविडेंस फुल प्रूफ है, वो सभी एविडेंस को कोर्ट ने माना है। खास करके जो वीडियो क्लिप है जो विटनेस राहुल उकानी ने निकाली थी तो वीडियो क्लिप भी कोर्ट ने मानी है और उसके साथ भी कोई छेड़छानी नहीं हुई वो बात भी कोर्ट ने मानी है और आज आरोपी को कसूरवार ठहराया गया है। अभी इस केस में आरोपी को कितनी सजा हो इसलिए कल दलील पेश करेंगे। प्रोसिक्यूशन की तरफ से आरोपी को मैक्सिमम पनिशमेंट यानी कि फांसी की सजा दी जाए ऐसी दलील पेश करने वाले हैं प्रोसिक्यूशन, वो बात आज